दोस्तों आज हम मैथ की क्लास जो 10th क्लास की मैथ की क्लास लेंगे। तो ये कैरियर कोचिंग सेंटर उड़ान के अंदर आज का टॉपिक है, ये देख लीजिए ध्यान से, ये है कैरियर कोचिंग सेंटर उड़ान में 10th क्लास। आप उड़ान के अंदर 10th क्लास का मैथ पढ़ेंगे और 10th क्लास के मैथ के अंदर हमारा क्वेश्चन है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे से दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, एक बार फिर से देख लीजिए। ये देखो ध्यान से क्वेश्चन देखिए, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे से दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये त्रिभुज बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। इस ट्रायंगल के अंदर क्या करेंगे, ए बी सी नाम दे दिए हमने, वो कहता है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, हमने ये 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी ले। इसके बाद में वो क्या कहता है, वो कहता है भूमि से दीवार पर एक खिड़की तक पहुंचती है, खिड़की है तो यहाँ तक लग दिया हमने, ये सीढ़ी हमारी और ये दीवार तक, ये खिड़की तक पहुंच गई है। उसके बाद के अंदर दीवार की जो खिड़की तक ऊंचाई है वो 8 मीटर लग दी हमने। इसके बाद वो बोलता है सीढ़ी के निचले सिरे से दूरी ज्ञात कीजिए, ये इसका निचला सिरा हो गया और ये इसका आधार हो गया इस दीवार का, और इस ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो है सबसे पहले ये टॉपिक दिया है, दिया के अंदर क्या लिखेंगे, ए सी है वो 10 मीटर है, बी सी है वो 8 मीटर है और ए भी हमें ज्ञात करनी है। ये जो है तो हम करेंगे इसको पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय का अर्थ हो गया कर्ण किसके है बराबर में आधार किसके है प्लस में लंब किसके है, यानी कि ए सी किसके है बराबर में ए बी किसके है प्लस में बी सी किसके है। अब इसके अंदर पुटिंग कर दिया, ए सी की जगह हमने ये 10 डाल दिया, ए बी की जगह हमने, हमें ज्ञात करना ए बी, इसमें तो कुछ है नहीं, उसके मार्ग ए बी का ए बी रख दिया तो बी सी कितना है 8 है, तो हमने 8 डाल दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 100 को 100 से गुणा करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो सॉरी 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है और 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है। इसके बाद में साइड चेंज, ये चेंज द साइड, 64 को इधर लाते हैं तो ये माइनस में हो गया ये, और ये जो स्क्वायर है ये इसके ऊपर चली गई। उसके बाद में इसको इसमें 100 में से 64 कैंसिल किया तो ये आ गया 36 आ गया, और 36 की ये जो इसके ऊपर रूट था ये यहाँ पर ये चलो ये इधर चला गया, ये इसमें रूट चला ये यहाँ पर इधर आ गया। इसके बाद 6 क्या, 6 और 6 की गुणा करने पर इसको ऐसे कर दिया स्क्वायर बढ़ा दिया, ये रूट से रूट कट गया यहाँ से तो ये आ गया 6 आंसर। तो हमें पता चल गया ए बी कितना है 6 आ गया। और यही बात इस क्वेश्चन के अंदर पूछी है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे से दूरी ज्ञात कीजिए, तो हमने ये आधार है ये सीढ़ी का निचला सिरा और इसकी दूरी हमने ज्ञात कर ली फिर से देख लीजिए, ए सी 10 सेंटीमीटर है, बी सी 8 है, ए बी ज्ञात करनी है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है इसके अंदर। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण की स्क्वायर बराबर में आधार की स्क्वायर प्लस में लंब की स्क्वायर, और इसके अंदर पुटिंग कर दिया हमने ये जो डायग्राम के आधार पर। उसके बाद में इसको सॉल्व किया हमने, ये स्क्वायर कर दी, इसकी स्क्वायर कर दी, ये जो रूट इस पर आ गया 100 में से 64 कैंसिल कर दिया, 36 आ गया, 36 की स्क्वायर बना ली, रूट से रूट कैंसिल हो गया और 6 आंसर आ गया। इट इज द इजी क्वेश्चन, मैथ इज वेरी इजी सब्जेक्ट बट इट इज ए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैथ इज ए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, समझ में सब सर, दोबारा रिपीट करो ओके। तो इसको लाइक भी कीजिए दोस्तों, शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए ताकि वो उनको भी अच्छा लगे तो वो भी इस टॉपिक कर सके। ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे तरीके से, ये है क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।